बलिया में तेज आवाज बुलेट चलाने वाले स्वामियों के खिलाफ आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दो बुलेट को चालान किया गया। यात्री कर अधिकारी आरटीओ आरपी गौतम ने बताया कि जो लोग बुलेट में तेज आवाज का साइलेंसर लगाकर चलते हैं, उनके खिलाफ यह अभियान चलाया गया है, जिसमें दो बुलेट का किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर का इस्तेमाल करें, तेज आवाज में बुलेट का साइलेंसर ना लगाएं। तेज आवाज में बुलेट लेकर चलने वालों के ऊपर यह कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये अभियान 20 तारीख तक चलेगा। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। बुलेट में साइलेंसर बदल देते हैं, ओरिजिनल साइलेंसर नहीं लगा के चल रहे हैं, और ध्वनि प्रदूषण वाला जो है, ध्वनि वाला जो साइलेंसर लगा ले रहे हैं, उसके विरुद्ध अभियान चल रहा है। सर, बहुत जगह पे जैसे आदमी कहीं जाता है, जैसे सब मोहल्ले हो गया, वो गया जी, तो ऐसे युवाओं जैसे हैं और बुलेट चला कर फट फट जो आवाज़ें आती हैं जी, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, तो मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना निकले। अब इसके लिए चेकिंग अभियान चल रहा है, संयुक्त चेकिंग अभियान चल रहा है, जैसे PSI साहब और परिवहन विभाग के, यातायात पुलिस के द्वारा और हम RTO द्वारा, उसमें इसी की चेकिंग हो रही है। उसमें 10,000 रुपया जुर्माना है, अगर कोई गलत तरीके से बुलेट में साइलेंसर लगा लिया है, दूसरा साइलेंसर लगा लिया है, तो उसे चलान किया जा रहा है। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? अभी ये 20 तारीख तक 20-8 तक चलेगा, अनवरत चल रहा है, प्रदेश के हर जिले में चल रहा है, सब जगह कार्रवाई हो रही है, और पूर्णतया तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब लोग जो है इससे जागरूक हो रहे हैं, अपना ओरिजिनल साइलेंसर लगा रहे हैं, लगाने की बात कर रहे हैं। मोटर वाहनों के लिए, खासकर से बुलेट चालकों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से यह संदेश है कि जो कंपनी द्वारा जो मॉडिफाइड साइलेंसर आ रहे हैं, उसी को प्रयोग किया जाए, दूसरा जो है साइलेंसर लगाना कदाचित उचित नहीं है, और इससे जो है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, जिससे लोगों को कान में अनायास जो है दिक्कत परेशानी। दो बुलेट केवल चलान किए हैं सर, और सर जाम की स्थिति हो जाती है ज़्यादातर ई रिक्शे जो है, जिसका नंबर प्लेट है, होते हुए भी नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं, अभी अगर नंबर को चलाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? उस पर भी कार्रवाई होती है, उस पर भी चलान से तो है। ई रिक्शा वाले जो चालक है, नंबर को छुपा कर चलते हैं कि चलान ना किया जाए या ना किया जाए, तो उस पर भी कार्रवाई होती है, उस पर भी चलान किया जाता है। ई रिक्शा की वजह से ज़्यादा जाम लगने का कारण बस वही है। अब ई रिक्शा तो भाई हाँ, जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं कार्रवाई होती है, और जल्द ही जो है उसके खिलाफ ही संयुक्त रूप से कार्रवाई चलाई जाएगी।